الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم أو إذا حارم
जानिब ना कैसे खींचूं
अर्श-ए-आज़म से जिसके बड़ी शान है, रोज़ा-ए-मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ा-ए-मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आफा का रोजा मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, मौत क्या जिंदगी के बेपरवाह ना हो, मौत क्या जिंदगी के बेपरवाह ना हो, काश सरकार मुझसे कहे एक बार, काश सरकार मुझसे कहे एक बार, अब तेरा जीना मरना मदीने में है, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। सरवरे दो जहां से दुआ है मेरी, हाँ यही चश्मे तर इल्तिजा है मेरी, हाँ यही चश्मे तर इल्तिजा है मेरी, उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, रोजा ना जाना मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे चलूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अम्बियालिन वल मुर्सलीन वालाली वासाबिहि अजमाइन अम्मा बाद, काबिले सदर एहतराम असातेज़ा एज़म मुशफिक बादिया और मेहमान खुसूसी और मेरे प्यारे बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरा तकरीर का उन्वान इखलासे नियत की मौजू पर तकरीर करना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करें कि हम सब सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इखलास में नियत का असल मकसद ये है कि हम जो भी करें अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें, दिखलावे के लिए ना करें। अगर कोई शख्स अल्लाह को राज़ी करने के लिए राई के दाने के बराबर भी सवाब मिलता है, अगर कोई शख्स अल्लाह को राज़ी करने के लिए उहद के पहाड़ के बराबर सवाब नहीं मिलता। इखलास में नियत हमारे अंदर उनके लिए दीन मजलिसों में बैठकर इखलास के फजाइल को सुनना और लोगों में चल फिरकर इखलास के तरफ दावत देना, तूने हमारे अंदर इखलास में नियत पैदा हो जाए। और रात के तन्हाइयों में हर फर्ज नमाज के बाद रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगे, अब वमा अलैना इलल बलगुल मुबीन, आमीन। हाँ मैडम, मैं तो सब काम खत्म कर चुकी हूँ, और कुछ काम है तो बता दीजिए। हाँ सुनो, मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं, उनके साथ में मेरी इज्जत बढ़ाना। मैं कुछ समझी नहीं मैडम। अरे पूछू, इसका मतलब अगर मैं तुमसे कहूँ जाओ चाय लेके आओ, तो तुम्हें कहना चाहिए कौन सी वाली चाय मैडम, इजिप्ट वाली।
Create a video of your talents and share it via WhatsApp on 9700491819. If you are new to this channel, then don't forget to subscribe. Thank you.